ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुझे बताओ भाई, हैदराबाद विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? निजाम के राज से, रजाकारों से तेलंगाना को मुक्ति मिली, इसकी स्मृति रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? ए ओवेसी के डर से केसीआर हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाते, मगर हम नहीं डरते ओवेसी से। आप भाजपा सरकार बना दो, हैदराबाद विमोचन दिन को हम स्टेट डे के रूप में मनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये ओवेसी साहब जो है वो तुष्टिकरण करने में से बाज नहीं आते हैं। इनकी चुनाव का चिन्ह कार है, कार कार है ना, मगर कार का स्टीयरिंग ना ओवेसी के ना, कार का स्टीयरिंग ना केसीआर के पास है, ना केटीआर के पास है, ना कविता के पास है। कार का स्टीयरिंग ओवेसी के पास है, ओवेसी के पास। ये तेलंगाना की कार ठीक चल सकती है ओवेसी के हाथों में? जोर से बोलो, चल सकती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हम तेलंगाना को परिवारवाद से मुक्त करेंगे। ये केसीआर की पार्टी, बीआरएस और कांग्रेस और ओवेसी की पार्टी मजलिस, ये तीनों 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। अरे यार, समझे बगैर आप हाथ खड़ा कर देते हो, ताली बजाते हो। मैं समझाऊं क्यों 2G, 3G, 4G? समझाऊं? देखिए, 2G मतलब केसीआर और केटीआर, 2 जनरेशन हुआ या नहीं हुआ? 3 जनरेशन मतलब ओवेसी के दादाजी, उनके पिताजी और ओवेसी। 3G हुआ या नहीं हुआ? और 4G का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल बाबा। 4G हुआ या नहीं हुआ?